तो गाइस अभी आप देख सकते हो अंकु ने ये पीछे वापस पग बना लिया और पिछली लाइट को पूरा स्मोक कर दिया हुआ है। ओहो ट्रैफिक वाले खड़े हैं, ये देखो सर विदाउट हेलमेट चल रहे हैं। देख सकते हो अंकु की बाइक आगे से खुल गई है, वो रहा अपोलो वाला टायर, वो उसका रिम है। तो भाई अभी जानू के साथ रेस लगी हुई है, आगे आप देख सकते हो आवाज है। हेलो गाइस वेलकम अगेन टू द चैनल। तो भाई आज का व्लॉग हम हाईवे से स्टार्ट कर रहे हैं, वो अंकु जा रहा है। आज आप मौसम देख सकते हो भाई, आज बारिश जैसा मौसम है कुछ, और आज हमें लग रहा है कि बारिश पड़ेगी। अंकु की बाइक का रैप है तो इसने वो कराना है। कल के व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि अंकु की बाइक में ना अगला टायर खत्म हो गया तो वो डलाना है, तो आज हम सुबह से हमने सोचा था पहले टायर ही डलाएंगे फिर निकलेंगे राइड पे। बट भाई आपको पता है अपोलो का टायर ना ऐसे आसानी से नहीं मिलता है, तो पिछला वाला तो उनके पास अवेलेबल था पर अगला नहीं था, तो पिछला अंकु के पे पड़ा हुआ था, अंकु ने हाल ही में डलाया है, तो इसने सिर्फ अगला डलाना था। तो अभी उनने बोला था हमें कोई एक दो घंटे तक मिल जाएगा, बट भाई मौसम आप देख सकते हो, हमने सोचा अगर हम दो घंटे आप वेट करें एक दो तब तक शाम के, अभी तो ऐसा टाइम है बट आप मौसम देख सकते हो बारिश जैसा है तो तब तक बारिश भी पड़ सकती है, इसलिए हमने सोचा एक राइड भी मारेंगे और साथ में अंकु को कुछ टेप के पीछे भी निकल गई हुई थी और वो घुमट से करा लेंगे, तो देखते हैं क्या सीन रहेगा। फिर हम ही दो हैं, शफकत मेरे पीछे बैठा हुआ है और इसने अपनी बाइक नहीं लाई है, और देखो अंकु वहाँ से निकल गया। आजकल ना मैं सिर्फ ड्यूकी निकाल रहा हूँ क्योंकि भाई आपको पता है मेरे आरसी में टायर अगला पूरा ख़त्म है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है भाई कहाँ पे स्किट कर जाएगा, जिससे मैं ज़्यादातर ड्यूकी निकालता हूँ। ड्यूक का टायर अभी ठीक है, अगला भी और पिछला भी, पिछला तो है थोड़ा बहुत चेंज कराने का पर चलो ठीक है चल जाएगा। अभी मेरे को आरसी का टायर वगैरह चेंज कराने, और आरसी में भी बड़ा काम है, सर्विस भी आई हुई है उसकी, टायर चेंज कराने चेन सेट वगैरह। आजकल ड्यूक को चलाने का अलग ही मज़ा आता है भाई। अभी हम गुजर नगर पुल के ऊपर पहुंच गए हैं और आज बड़े दिन बाद यहाँ आए हैं, कोई हफ्ते के बाद आया हूँ मैं, और लेकिन आज साफ है पूरा, आज ठीक है भाई, रोड की हालत आज ठीक है इधर की। सो गाइस अभी हम घूमट पहुंच गए हैं और रश आज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। चलो अंकल जी गुल्लू के पास तो रश नहीं है पर नहीं नहीं तो गाइस अभी आप देख सकते हो अंकु ने ये पीछे वापस पग बना लिया और पिछली लाइट को पूरा स्मोक कर दिया हुआ है, बाकी ये नॉर्मल टेप जो निकल गई हुई थी ना ये देखो आप हल्की सी निकल रही है डे टेप, ये बाद में वापस ठीक करा देंगे क्योंकि यहाँ पे और भी काम होता है। तो अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से सिटी के लिए, और यहाँ पे कुछ भाई मिल रहे हैं ये फोटो उठा रहे हैं, तो मेरी बाइक ना नीचे लगी हुई है और अगला टायर देखो टायर की हालत, तो अभी टायर भी डलाना है इसमें, हमको अपोलो का ही डला रहा है तो मैंने भी अपनी आरसी में डलाना है, तो देखते हैं। तो गाइज अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और आज हम जा रहे हैं वापस फ्लाईओवर वाली साइड, आपको पता है फ्लाईओवर के ऊपर बाइक चलाने का कुछ अलग ही मज़ा है, तो और ऊपर साथ में हम दो ही बाइक्स हैं, शफकत भी आजकल निकाल ही नहीं रहा अपनी V3 को, बोलता है उसको थोड़ा रेस्ट भी देना है, मैं यार हम तो रोज़ निकालते हैं पता नहीं ये क्यों नहीं निकालता है। तो गाइज अभी हम यहाँ से सिदरा के लिए जा रहे हैं, आपको पता ही है, और आजकल कुछ अलग ही फील आता है भाई इन रोडों पर, और खुली खुली रोडें दिखती हैं ना आज, हमें हिमाचल की आदत लगी थी हमें 3-4 दिन में, क्या आवाज है भाई। आजकल मेरे को ड्यूक पे कुछ अलग ही मजा आता है, हैं? हाँ हाँ मेरा भी हिला था भाई, उधर हल्का सा बम्प है इसलिए मेरा हैंडल भी हिला था और अंकु का भी, पर मेरा उतना ज्यादा नहीं हिला था। ओ भाई आगे रेस लगी अंकु की आरएस वाले के साथ, वो देखो भाई आगे जान देते हैं यार, ये ना हो ये, ओ ओ ओ हो भाई साहब, बट हेलमेट नहीं पहना है एक ने भी। ओहो ट्रैफिक वाले खड़े हैं, ये देखो सर विदाउट हेलमेट चल रहे हैं सर जिन्हें देखते ही रह गए, पर सर को टाइम नहीं मिला भाई, सर को टाइम ही नहीं मिला इनको पकड़ने का, सर तो देखते रह गए कि ओहो निकल गए हाथ से, वरना आज इनका चलान तो पक्का था भाई। तो गाइस अभी हम सिटी पहुंच गए हैं और ये बच्चा बीच रोड में है, आजकल मेरा अलग ही हाथ बैठा हुआ है, मेरा मन करता है इसको सिर्फ भगाऊं भाई।
आगे चलो, हमारे लिए भी जगह रखो, हमने भी चलना है। बाइक जंप हो गई और हैंडल ऐसे वाइब्रेट हुआ है। अब सर्दियों का टाइम आएगा ना भाई, अब सिद्रा में और ज़्यादा मज़ा आएगा राइड करने में। सर्दियों में ना बहुत पसीना आता था तो मन ही नहीं करता था बाइक चलाने का भाई, बट सर्दियों में थोड़ी बहुत सर्दी होगी पर फिर भी हम जैकेट वगैरह पहन ही लेते हैं तो ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। तो गाइस अभी हम सिद्रा पहुँच गए और ये देखो भाई अपने DRL, ये रिमोट मेरे को साथ में ही होता है जेब में हमेशा, जैसा मन करे वैसा रखो। वैसे अभी तक मेरा ऑफ था ये, पर अभी मैंने ऑन किया यहाँ पे। और बताओ भाई, ये रेड भी है, ग्रीन रखते हैं इसको, ये रह गया ग्रीन। और भाई साथ में और पीछे आपको मैंने दिखाई दिया था, ये इसने स्मोक कराई है और वो पग बनाया हुआ है, तो मैं भी शायद कल अपनी RC को पीछे स्मोक करा दूं अपनी लाइट। तो अभी ड्यूक की तो मेरी पहले की स्मोक है, तो निकलते हैं यहाँ से। उनको ना टायर भी डलाने, इसलिए आज थोड़ा जल्दी जल्दी आ रहे हैं। उनने बोला था 1 घंटे के अंदर आ जाएगा टायर आपका। अलग ही मज़ा आता है यार आजकल ड्यूक को चलाने का यार। तो भाई अभी आप आगे देख सकते हो, हम यहाँ से घर वाली साइड वापस जा रहे थे और जानू और अर्जुन भाई भी मिल गए हमें। चलो भाई लगी रेंज भाई जानू की भाई देख भाई साहब, वो देखो वो देखो। तो भाई अभी जानू के साथ रेंज लगी हुई है, आगे आप देख सकते हो। तो गाइस अभी अर्जुन भाई पीछे रह गए और हमें यहाँ से नीचे जाना है, क्योंकि भाई वहीं पे हमने टायर वाले का पता कराया था तो उसने बोला था 1 घंटे के अंदर आ जाएगा, तो अभी तक आ गया होगा। देखते हैं भाई टायर आया कि नहीं, मुझे तो लगता है आ गया होगा, तो आया होगा तो अभी फिट करवा देंगे क्योंकि बाइक में। तो गाइस ये रहा टायर अपोलो वाला, मेरी ड्यूक में भी यही डला हुआ है, तो अभी अंकू वाली में डलाते हैं। ये तब तुझे पता भी नहीं था इनका नाम, जब तेरा बाप डलाता था। मिचलिन का टायर लगा हुआ है और मेरे को बोलते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमको की बाइक आगे से खुल गई है, वो रहा अपोलो वाला टायर, वो इसका रिम है और अभी उससे वो वाला टायर उतार देंगे, फिर वो लगाएंगे, फिर वापस फिट कर देंगे। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमको की बाइक में टायर डल गया है अपोलो, अब तो दोनों टायर डल गए हैं, अभी ये फुल लीन मारेगा। और यहाँ से हमने डलवाया नरवाल से अपोलो की यहाँ पे शॉप है, मैंने भी यहीं से पहले भी डलवाया था अपना अगला, जब मेरा टायर ब्लास्ट हुआ था ना अगला, आपको पता ही होगा जिसने पुराने व्लॉग्स देखे थे, तो मैंने तब भी यहीं से डलवाया था। अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से। सो गाइस आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।